मैं अकेला ही खुद के लिए काफी हूँ, मेरे वजूद को सहारों की आदत नहीं। इस आइलैंड पर हमारे अलावा और कौन रहता है? कोई नहीं, बस हम और हमारी तन्हाई। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फ़िल्म मुझे कुछ कहना है की कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फ़िल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फ़िल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ़िल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फ़िल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें यह फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फ़िल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फ़िल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फ़िल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फ़िल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फ़िल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फ़िल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फ़िल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फ़िल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फ़िल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नज़र आई और साथ ही में जो कि फ़िल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फ़िल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फ़िल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतज़ार
भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका हाफ फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमेक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी श्वेता मेहरा अनारा गुप्ता अमित शुक्ला संजीव मिश्रा धर्मा वर्मा रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और डीओपी प्रकाश और
लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है, और डीओपी प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं, और कानूनी मुखर्जी और कानू मुखर्जी ने जो कि विकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई, और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं, और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्जवल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं, और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है, और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्जवल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है, और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं, और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है, और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है, और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं, और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है, और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं, और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोशिश बनाने की कोशिश की है, और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है, और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है, और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है, और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है, और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी, और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है, और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है, और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है, और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं, लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है, और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी, उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं, और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं, और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है, और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म इमोशनल है, और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे, और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे।
हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई। और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है। और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं। और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानूनी मुखर्जी और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर
जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एव साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोशिश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका हाफ फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और
फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं, लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो की सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी श्वेता मेहरा अनारा गुप्ता अमित शुक्ला संजीव मिश्रा धर्मा वर्मा रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो की अहम भूमिका में है और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह सुमित सिंह चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि
फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोशिश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका हाफ फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गांव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि
ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गांव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और
फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोशिश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नज़र आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद
खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे, चिंटू, काजल राघवानी, श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं, लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी, उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है की कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमेक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में है और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानूनी मुखर्जी और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है और फिल्म के बारे में
निर्माता निशांत उज्जवल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं। और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं
यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं। और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गांव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर
फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें, भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज़ किया गया है और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से
पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं, लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं। लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी, उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है की कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमेक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में है और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि
सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका हाफ फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं
यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं। और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गांव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर
फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें, भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज़ किया गया है और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नज़र आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नज़र आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से
पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं, लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं। लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी, उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है की कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमेक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में है और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानूनी मुखर्जी और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्जवल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्जवल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि
सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी श्वेता मेहरा अनारा गुप्ता अमित शुक्ला संजीव मिश्रा धर्मा वर्मा रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के
निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह सुमित सिंह चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर
फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें, भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है के ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आईं और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे
प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं, लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी, उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है की कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक यूट्यूब पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमेक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में है और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और डीओपी प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और डीओपी प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार
भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोशिश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका हाफ फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई है वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतज़ार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज़ किया गया है और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी श्वेता मेहरा अनारा गुप्ता अमित शुक्ला संजीव मिश्रा धर्मा वर्मा रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और
लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और डीओपी प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्जवल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्जवल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। यूट्यूब पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गांव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालाँकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है कई कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नज़र आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज़ किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज़ का इंतजार भी वो काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे
हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज़ हो चुकी है क्योंकि फ़िल्म को रिलीज़ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज़ किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नज़र आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नज़र आई हैं जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो कि क्लाइमैक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं यशी फिल्म्स अभिषीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में हैं और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नज़र आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है। और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्ज्वल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्ज्वल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाज़ा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफ़ी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज़ होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गाँव आते हैं और उनके फादर
जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को OTT यानी दंगल प्ले OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है, जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि OTT पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म मुझे कुछ कहना है की कहानी और रिव्यू। आप लोगों को बता दें जो कि ये फिल्म 2022 में आई थी और जिसमें काजल राघवानी और चिंटू पांडे नजर आए थे। आप लोगों को बताते हैं कि आप जो कि इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं और कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फिल्म की स्टोरी को समझते हैं और हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों को बता दें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू और अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म मुझे कुछ कहना है कि ट्रेलर जब रिलीज किया गया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और भोजपुरी सिने लवर्स जो कि सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए अपना प्यार भी बरसा रहे थे और इसीलिए रिलीज का इंतजार भी वो काफी बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है क्योंकि फिल्म को रिलीज किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी तक YouTube पर नहीं रिलीज किया गया है। और ऐसे में प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस इस फिल्म को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। हाल ही में ही मुझे कुछ कहना है का जब ट्रेलर आया था तो रिकॉर्ड्स पर जो कि ट्रेलर ने जबरदस्त तरीके से बनाया और प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी की केमिस्ट्री बेहद जो कि आकर्षक नजर आई और काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी अक्सर लोगों को खूब पसंद आती है। जब जब ये दोनों बड़े पर्दे पर वापस आते हैं तो लोगों को खूब पसंद आती है और चिंटू एक ऐसे लड़के के किरदार में है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है और वहीं काजल राघवानी उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आई है जो उन्हें उनके पिता की भावनाओं का कर्द करने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जो कि क्लाइमेक्स में गोली का शिकार हो जाती है। वहीं येशी फिल्म्स अभय शीना प्रस्तुत रेणु विजय की फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया गया है। मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ काजल राघवानी, श्वेता मेहरा, अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धर्मा वर्मा, रोहित सिंह मटरू और सृष्टि पाठक और एक सूर्या द्विवेदी भी जो कि अहम भूमिका में है और इसी फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल हैं और निर्देशक जो कि अंजय जो कि रघुराज हैं और संगीतकार छोटे बाबा एवं साजन मिश्रा हैं और DOP प्रकाश और लेखक राकेश त्रिपाठी हैं और संगीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह, चंद्र सिंह जो कि चंद्रवंशी और विजय निर्मल छोटू यादव जैसे लोगों ने किया है और DOP प्रकाश, एक्शन दिलीप यादव कोरियोग्राफर हैं और कानू मुखर्जी ने जो कि रिकी गुप्ता का है। और वहीं आप लोगों को बता दें इसी तरीके से हमें फिल्म के जो कि चीज़ों को देखने को मिल रहा है। भोजपुरी फिल्म जो कि मुझे कुछ कहना है का जब इसका फर्स्ट लुक आया तो लोगों को खूब पसंद आया। इसमें भोजपुरी अदाकारा काजल राघवानी गोबर के उपले बनाती हुई नजर आई और साथ ही में जो कि फिल्म के जो कि हीरो प्रदीप पांडे चिंटू निहार जो कि निहार भी रहे हैं और फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षित है और अब जो कि वायरल होने लगी है और इस फिल्म के जो कि निर्माता निशांत उज्जवल और निर्देशक जो कि अंजय रघुराज हैं और फिल्म के पोस्टर पर YouTube पर धूम मचाने वाली है और श्वेता मेहरा भी जो कि जगह मिली है। और फिल्म के बारे में निर्माता निशांत उज्जवल ने कहा है कि मुझे कुछ कहना है एक रोमांटिक फिल्म है और इसका अंदाजा आप फिल्म के जो कि फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं और फिल्म का निर्माण हमने बहुत पैमाने पर किया है और हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी है और सामाजिक है और इससे भोजपुरी सिनेमा के जो कि चॉकलेटी सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जो कि सिल्लिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं और दर्शकों को इस फिल्म से एक जो कि फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है और इसका इंतजार भोजपुरी के दर्शक को काफी बेसब्री से है। YouTube पर नई सनसनी श्वेता मेहरा डेब्यू कर रही हैं और मेरा मानना है कि हमने इसे बेहतरीन फिल्मों की कोश बनाने की कोशिश की है और इसलिए फिल्म जब भी रिलीज होगी आप सिनेमा में परिवारिक के साथ जाकर जरूर देखें। और वहीं प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा है कि आपने बहुत सी रोमांटिक फिल्में देखी होगी लेकिन यह उन सभी फिल्मों से अलग है और हमने एक बेहतरीन टीम के साथ खास जो कि स्क्रीन पर जो कि काम किया है और इसका हाफ फर्स्ट हाफ जो कि सबके सामने है और
फिल्म भाषा के साथ साथ भोजपुरी फील वाली जो कि कहानी भी बनी है और इस कहानी में बहुत ही कुछ नया है देखने को मिलेगा जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग जो कि क्रिएटिव जो कि अप्रोच से जो कि रूबरू करवाएगी और मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद जरूर देंगे। और काजल राघवानी ने कहा है कि पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हैं वह बेहद खास अनुभूति देता है और फिल्म आपको जो कि बेहद इमोशनल करने वाली है और मूवी की जो कि जर्नी भी बेहद खास है। गौरतलब है कि मुझे कुछ कहना है मैं प्रदीप पांडे चिंटू काजल राघवानी श्वेता मेहरा के साथ जो कि चर्चित अदाकारा और जो कि अनारा गुप्ता अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है और इन सभी कलाकारों का काम बेहद जानदार तरीके से पसंद आया है। वहीं फिल्म की कहानी एक बेहद शानदार तरीके से शुरू होती है। वहीं आप लोगों को बता दें जो कि प्रदीप पांडे चिंटू के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हालांकि वो गांव में रहते हैं लेकिन वो अपने बेटे प्रदीप पांडे चिंटू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं लेकिन वहाँ विदेश में जो कि वो पढ़ते हैं और प्यार पढ़ते पढ़ते जो कि उनके मुलाकात काजल राघवानी से होती है और उन्हें पहली नज़र में देखते ही उनसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें जो कि चिंटू पांडे ने जिस तरीके से फिल्म में एक्शन दिखाया है उसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि विदेशी लड़की होती है काजल राघवानी उनसे प्यार करने के बाद जो कि वो गांव आते हैं और उनके फादर जो कि उनकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय करते हैं और उनका नाम है श्वेता मेहरा। हालांकि काजल राघवानी का जो कि प्यार अधूरा रह पाता है या पूरा होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और ऐसे में अब बात आती है कि आप इस फिल्म को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को ओटीटी यानी दंगल प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस फिल्म को बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। फिल्म बेहद रोमांटिक है और जितना रोमांटिक है उतना ही फिल्म में इमोशनल है और फिल्म एक्शन से भरपूर है जिसे आप देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आप लोग दंगल प्ले जो कि ओटीटी पर जाइए और फिल्म को देख सकते हैं।